तो लॉकडाउन का माहौल है, दुनिया पूरी बंद है, अब पूरे दिन घर में रह के करें तो करें क्या, बोर हो रहे हैं, चलो साफ सफाई करवा ली घर की, खाना बना लिया, लेकिन उसके अलावा क्या करें, बोर हो रहे हैं भैया, टाइम पास नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं कुछ खतरनाक चीज़ों की जिन पे अगर आप थोड़ा भी टाइम देते हैं रेगुलर तो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे सच में। अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना वरना डिसलाइक करके जाना। हमने कल एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने 5 खतरनाक स्किल्स की बात की है जो अगर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं या फिर आपके अंदर पहले से हैं तो आप बहुत ही जल्दी मिलीनियर बन सकते हैं। और हाँ, बाहर में गई दुनिया, आपको कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं है, देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहली चीज़ की बात करते हैं, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या होता है कई बार हमारे ऑफिस में ही अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर किसी प्रोफेशन में हैं तगड़े, या आपका खुद का कोई बिजनेस है, हर चीज़ के लिए एक लेवल होना होता है ना कि हाँ भैया किसका स्टैंडर्ड, जिसे हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी को लेकर। तो आप अभी कई सारे ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी चीज़ें गूगल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव कैसा बनाएं कि अगर आपका कोई क्लाइंट है या फिर कोई कस्टमर है, अगर स्टूडेंट हैं आप तो कॉलेज वॉलेज का जो आसपास का माहौल है उसे आप अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकें। दूसरी चीज़ आती है, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे अगर हम किसी कोई नया बंदा मिल रहा है तो कैसे उससे बात करें, कहाँ पर कौन सी बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम नए नए बंदों से मिलते हैं लेकिन हम बात ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस होता है ख़त्म होता है बिल्कुल उनके सामने। अगर वहीं पर हम अपने घर में माता पिता के सामने बात करें तो वह वह बकर बकर करना शुरू कर देते हैं। कारण ये कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो या तो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भरोसा होता है ना, सेल्फ बिलीव होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जीरो लेवल पे आ जाता है। तो अभी यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे कई सारी हज़ारों वीडियोस से देख सकते हैं। कम्युनिकेशन को स्किल्स को कैसे और ख़तरनाक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, दूसरी चीज़ ये सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात आती है कि अगर आप, हर जगह जाता है दुनिया में, हर कोई आदमी ट्रैवलिंग करता है, अगर जॉब कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से टूर्स जाते हैं, स्कूल में है तो पिकनिक मनाने जाते हैं, तो उन सारे फोटोज़ को आप अच्छी तरीके से अपने फ़ोन में स्टोर तो करके रखते ही होंगे, तो उन्हें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो अभी फ्री टाइम में आप फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं जिससे आप अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे नए नए अंदाज में उन्हें पोस्ट करके। उसके अलावा अगली चीज़ आती है वीडियो एडिटिंग। मोबाइल है अगर आपके पास में तो आप कई सारे काइनमास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया और कई सारे प्रोफेशनल जो एप्लीकेशंस होते हैं वीडियो एडिटिंग के, उन्हें सीख सकते हैं जो आपके छोटी छोटी क्लिप्स को इंस्टाग्राम फेसबुक पर ये सारी मतलब सोशल मीडिया पर शेयर करने के काम आएंगी और आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छा फील होगा। और आप जानते होंगे एक फ़ोटो अपलोड करने के बाद में बार बार देखते रहते हैं ना कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, खुशी मिलती है ना दिल को देख के। ऐसे ही आप अपनी चीज़ों को यादगार बना सकते हैं एक नए अंदाज में, तो आप वीडियो या फिर फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं। और ये एक ऐसा काम नहीं है कि सीख के सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल और एक नेक्स्ट लेवल वाला सीख पा रहे हैं तो हज़ार कंपनीज़ हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो अपना स्मार्टफोन निकाल कर आप गेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी होती जा रही है, इतनी एक्सपेंड होती जा रही है कि आप गेम खेलकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पता है आपको? नहीं पता है तो अब आपको पता चल गया। उससे क्या है ना कि अच्छा खासा नाम धाम पैसा भी मिलता है आपको और मज़ा भी आता है गेम खेलते हुए। तो पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, इनका क्रेज़ आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं रात में रजाई में मुंह छुपा के कि भैया रिवाइव कर रिवाइव कर, तो आप यहीं से इन चीज़ों का कितना क्रेज़ है पता कर सकते हैं। तो गेमिंग बहुत ही एक्सपेंड होती जा रही है दुनिया में, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो गेमिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपके पास में इतना टाइम है तो आप अपनी कमियों की तलाश कर सकते हैं, अपने अंदर आपके अंदर क्या कमी है उन कमियों की खोज कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं ना तो हज़ार लोग आपको बोलेंगे वाह भाई स्मार्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप फटे पुराने या फिर इतने अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाएंगे तो आपका एक क्लासमेट कह सकते हो, फ्रेंड कह सकते हो, वो भी आपको नहीं बोलेगा कि तेरे कपड़े आज सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दुनिया है ना ये नहीं चाहती है किसी की कमियों को बताना। कारण पता नहीं क्या है लेकिन कोई किसी की कमी नहीं बताता, बहुत ही जो अपने होते हैं घनिष्ठ होते हैं वो अपनी कमी बताते हैं। तो अभी आपके पास में इतना टाइम है, अगर आप
स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, जिसमें मैं सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है, बस आप उस पर उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट पे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी जुगाड़ लगाकर अपने उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस सॉफ्टवेयर पे मेरा अच्छा कमांड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। मतलब हज़ार चीज़ें हैं आपकी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, और अपनी स्ट्रीम्स के हिसाब से आप अपनी कमी की तलाश कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ है वो है गेन नॉलेज, यानी कि हम जिंदगी में किसी भी पड़ाव पर हों हमें नॉलेज गेन करना, यानी कि लर्न द आर्ट ऑफ लर्निंग, ये हमें हमारे अंदर हमेशा बना के रखनी चाहिए। किसी भी फील्ड के टॉप फाइव जो बंदे हैं किसी भी स्ट्रीम के, बिजनेस हो गया या फिर स्पोर्ट्स हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, मतलब हज़ार चीज़ें हो गई कहीं से कि किसी भी फील्ड के आप टॉप फाइव बंदों को उठा के देख सकते हैं, वो बंदे रोज़ या तो कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह हज़ार चीज़ें देखते हैं। कारण होता है दुनियादारी के बारे में उनका जानना, और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इसी वजह से नहीं हो पाता है। जब नए नए बंदे हमें मिलते हैं तो हम उनसे बात करें कैसे करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदर से होता है यार कहीं ये कुछ पूछ ना ले। अगर हम कहीं एग्जीबिशंस में जाते हैं पता ही नहीं होता है दुनियादारी के बारे में। मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए। और अभी आपके पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से कुछ भी सीख सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक होगा डांसिंग का, एक्टिंग का, स्केचिंग का, ड्राइंग का, मतलब हज़ार चीज़ें होती हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया है, समाज है, मतलब जो भी आपका रीज़न रहा हो लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। अभी आपके पास में टाइम है, आप अपनी स्किल को पहचानो, उस पर काम करो, हल्के हल्के ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो, हल्के हल्के स्केच बनाना स्टार्ट करो, सिंगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चैनल बनाओ, टिकटॉक पे आ जाओ, वहाँ से गाने वाना स्टार्ट करो। मैं नहीं कहता हूँ कि नाचने लगो, गाने लगो या फिर ड्राइंग करने लगो, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप अपनी पैशन को खोजें, अपनी स्किल को खोजें, उसे आदत में लेके आएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम धंधे कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ के उसी पे लग जाओ। भैया 24 घंटे में से 2 घंटे तो दे सकते हो, देना शुरू कर दो। क्या पता ये जो अभी लॉकडाउन आया है ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साबित हो जाए। और मैं बोल रहा हूँ ना, जितने लोगों ने ये वीडियो देखी है सिर्फ 1% लोग होंगे जो इन सारी बातों पर काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है मेहनत कर पाना, हर किसी को वही भीड़ में शामिल होना है। कारण पता नहीं क्या हो, मतलब प्रवचन जैसा सीन नहीं होगा वीडियो में, मैं नहीं चाहता। तो अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, शायद किसी का भला हो जाए, और इच्छा है तो सब्सक्राइब कर दो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो ज़रूर दर्शाएं अपनी इच्छा को कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।